तो रून किंग थॉर मार्वल कॉमिक के सबसे पावरफुल किंग, गॉड, एस्गार्डियन और एक सुपर हीरो है। और रून किंग थॉर इतना पावरफुल है कि ना तो रून किंग थॉर के सामने आयरन मैन टिक पाया और ना ही इमोर्टल मैंगो। यहाँ तक कि एस्गार्डियन गॉड्स के गॉड्स को भी रून किंग थॉर के सामने झुकना पड़ा। लेकिन रून किंग थॉर इतना भी लकी और पावरफुल नहीं कि वो अकेले सारे मार्वल कैरेक्टर को डिफीट कर पाए। अभी भी मार्वल कॉमिक में कुछ कैरेक्टर ऐसे जिंदा है जो रून किंग थॉर को आराम से एक झटके में ख़त्म कर सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में, और आज हम बात करने वाले ऐसे मार्वल कॉमिक बुक कैरेक्टर की जो रून किंग थॉर को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। और मार्वल ने यह खुद कहा है कि कॉमिक बुक में सिर्फ 5 कैरेक्टर है जो रून किंग थॉर को हरा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बियॉन्डर की। बियॉन्डर को गॉड जैसी एंटिटी भी बोला जा सकता है, लेकिन बियॉन्डर की ओरिजिन कॉमिक में हमेशा चेंज होती आ रही है। कभी बियॉन्डर एक छोटा बच्चा होता है जिसके पास गॉड लाइक पावर है, लेकिन दूसरे कॉमिक में बियॉन्डर दूसरे यूनिवर्स से आता है और सुपर हीरो को कैद कर लेता है, लेकिन बाद में बियॉन्डर सुपर हीरो को छोड़ भी देता है। और वैसे तो बियॉन्डर इमॉर्टल है, लेकिन मॉलिक्यूल मैन के साथ मर्ज होकर बियॉन्डर मॉर्टल बन गया था। अब बात करते हैं बियॉन्डर के पावर्स की। तो बियॉन्डर खुद एक कॉस्मिक एंटिटी होने के साथ एक ओमनीपोटेंट है और मार्वल के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। इटर्निटी। अब इटर्निटी की ना तो कोई ओरिजिन है और ना ही एंड, क्योंकि इटर्निटी खुद एक टाइम का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। इटर्निटी की एक बहन भी है जिसके साथ मिलकर इटर्निटी लाइफ फॉर्म कंटिन्यूम को रिप्रेजेंट करता है। इटर्निटी को सबसे पहली बार स्ट्रेंज टेल्स में कॉस्मिक एंटिटी के रूप में देखा गया। इटर्निटी भी एक ओमनीपोटेंट है, साथ में इटर्निटी के पास है स्पेस टाइम और रियलिटी को चेंज करने की ताकत। इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी कॉस्मिक एंटिटी है जो रिप्रेजेंट करती है टोटल स्पेस को। इन्फिनिटी मार्वल कॉमिक की सबसे पावरफुल फीमेल कैरेक्टर है। इन्फिनिटी का एक भाई है जिसका नाम है इटर्निटी, और इटर्निटी रिप्रेजेंट करता है टाइम को। और जब इटर्निटी और इन्फिनिटी दोनों साथ काम करते हैं तब ये दोनों स्पेस और टाइम को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। बात करें इन्फिनिटी के पावर्स की, तो इन्फिनिटी के पास है टोटल कंट्रोल ओवर मैजिक, स्पेस ओमनीप्रेजेंस, ओमनीसाइंस, मैटर एंड एनर्जी रियलिटी। अब इन्फिनिटी अपने भाई इटर्निटी जितनी पावरफुल तो नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी मार्वल कॉमिक के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। लिविंग ट्राइब्यूनल। लिविंग ट्राइब्यूनल एक ऐसा कॉस्मिक एंटिटी है जो हर जगह प्रेजेंट है। लिविंग ट्राइब्यूनल मार्वल यूनिवर्स का जज है अपने कॉस्मिक जस्टिस के लिए। लिविंग ट्राइब्यूनल का काम है कॉस्मिक लेवल को मेंटेन करना। लिविंग ट्राइब्यूनल गैलेक्टस से भी बड़ा है, और गैलेक्टस, इन्फिनिटी और इटर्निटी एक साथ मिलकर भी लिविंग ट्राइब्यूनल को नहीं हरा सकते। लिविंग ट्राइब्यूनल नियर ओमनीसाइंस के साथ रियलिटी को चेंज करने की ताकत रखता है। एंड फाइनली वन अबव ऑल। वन अबव ऑल मार्वल कॉमिक का गॉड है। वन अबव ऑल को मार्वल कॉमिक का अल्टीमेट और फाइनल पावर बोला जाता है। मार्वल कॉमिक में वन अबव ऑल के आगे कुछ नहीं है। वन अबव ऑल को लिविंग ट्राइब्यूनल का बॉस भी बोला जाता है, क्योंकि वन अबव ऑल के कहने पर लिविंग ट्राइब्यूनल काम करता है। अभी तक मार्वल कॉमिक में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो वन अबव ऑल के सामने टिक पाए, रून किंग थॉर भी नहीं। तो ये तो वो 5 मार्वल कैरेक्टर जो रून किंग थॉर को डिफीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपना ओपिनियन देना हो तो कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे डिटेल वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।